हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम बात करने वाले हैं फोर्ड एस्पायर के बारे में। ये अभी आप इसका सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट मॉडल देख रहे हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस स्टार्ट होती है 7,08,000 रुपीज़ से, एंड टॉप मॉडल की कीमत है 9,77,000 रुपीज़ ऑन रोड रायपुर। ये यहाँ रायपुर की प्राइस है। आप अपने शहर की प्राइस अपने नज़दीकी डीलरशिप से कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। फोर्ड फिगो का सेडान वर्जन है फोर्ड एस्पायर, पेट्रोल एंड डीजल दोनों में आती है। फोर वेरिएंट्स आते हैं, एम्बिएंटे, ट्रेंड, टाइटेनियम, टाइटेनियम प्लस। फाइव कलर का ऑप्शन है, रूबी रेड, मूनडस्ट सिल्वर, स्मोक ग्रे, ऑक्सफोर्ड वाइट एंड वाइट गोल्ड। अभी आपके सामने है टाइटेनियम प्लस वाइट गोल्ड कलर। 2015 में लॉन्च हुई थी एस्पायर, एंड तब इसे फिगो एस्पायर के नाम से लॉन्च किया गया था। एंड अभी वाली मॉडल्स में सिर्फ एस्पायर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। फोर्ड का सेडान वर्जन भी कहा जाता है एस्पायर को अदर कंट्रीज़ में। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर एस्पायर की फोर्ड इंडिया ने की है, एंड इसकी असेंबली सनन गुजरात में ही होती है। फाइव सीटर एंड फ्रंट व्हील ड्राइव है एस्पायर। 1.2 लीटर TIVCT पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करती है 96 PS पावर एट 6500 RPM एंड 119 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 4250 RPM। 18 KMPL की माइलेज मिलती है विद 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। वहीं अगर बात करें इसके डीजल इंजन की, तो 1.5 लीटर TDCI डीजल इंजन मिलती है, जो प्रोड्यूस करती है 100 PS पावर एट 3750 RPM एंड 215 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 1750 RPM टू 2500 RPM पे। 24 KMPL तक की माइलेज मिल जाती है 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। अभी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, हो सके फ्यूचर में इसका ऑटोमेटिक वर्जन भी आए। फोर्ड का लोगो ऑस्टिन मार्टिन सेलुलर ग्रिल डिज़ाइन है क्रोम सराउंडिंग के साथ में। नंबर प्लेट की स्पेस, ऑटोमेटिक हेलोजन हेडलैम्प स्मोक ब्लैक एंड क्रोम फिनिश के साथ में। सी शेप क्रोम बेजल मिल जाती है फॉग लैम्प के साइड में। वाइपर नोजल, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। ₹195/55 के टायर 15 इंच के एलॉय में माउंट किए गए हैं। 14 इंच के स्टील रिम का भी ऑप्शन मिलता है अदर वेरिएंट्स में। फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रंट में इंडिपेंडेंट मैक पियर्सन एंड रियर में सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम टाइप मिल जाती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर पावर फोल्डिंग के साथ में। एंटीना, बॉडी कलर आउटर डोर हैंडल, रियर डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, हेलोजन यूनिट में टेल लैंप, टाइटेनियम की बैजिंग, TDCI टर्बो चार्ज डीजल कॉमन रेल की बैजिंग, क्रोम गार्निश मिल जाती है। और यहीं पे है फोर्ड का लोगो, एस्पायर की बैजिंग, रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, नंबर प्लेट की स्पेस, नीचे में ब्लैक स्किड प्लेट टाइप की देखने को मिल जाती है इसके रियर बम्पर में। लेफ्ट साइड में फ्यूल फिलिंग मिल जाती है, डीजल में 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है एंड पेट्रोल में 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। 3995 mm लेंथ है, 1704 mm विड्थ, 1525 mm हाइट है, 2498 mm व्हील बेस, 174 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 4.9 मीटर की मिनिमम टर्निंग रेडियस मिल जाती है फोर्ड एस्पायर में। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, ABS विद EBD, इंजन इमोबिलाइजर,
ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, रिमोट कीलेस एंट्री, पेरीमीटर अलार्म, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है फोर्ड एस्पायर में। सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग मिली है एनकैप से। तो चलिए कार के अंदर चलते हैं। बी पिलर पर ब्लैकआउट फिनिश है, आर्मरेस्ट पर पियानो ब्लैक फिनिश है, पावर विंडो के बटन्स, ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन विंडोज मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिश में इनर डोर हैंडल, स्पीकर, बॉटल होल्डर एंड स्पेस। ORVM के कंट्रोल्स, टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, 8-वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट है, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में पैडल्स, हेडलाइट के कंट्रोल्स एंड बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर बटन है, सर्कुलर एसी वेंट, इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट स्टीयरिंग व्हील है, टिल्ट का ही ऑप्शन सिर्फ मिलता है, बीच में फोर्ड का लोगो एंड साइड में इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स हैं एंड राइट साइड में इंडिकेटर के कंट्रोल्स हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम सराउंडिंग के साथ में, एंड कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग प्लस MID डिस्प्ले के साथ में आता है, जिसमें RPM, स्पीड, फ्यूल मीटर एनालॉग साइड में देखने को मिल जाता है, एंड मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में कूलेंट टेम्परेचर, ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू MT जैसी इन्फॉर्मेशन आपको ये बताएगा, एंड कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट व्यू कार के अंदर से। सेवन इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है व्हीकल कनेक्टिविटी विथ 4 पास, AM/FM रेडियो, USB, ब्लूटूथ, ऑक्स एंड इम्बेडेड नेविगेशन, 4 स्पीकर का पूरा सेटअप मिल जाता है इसमें, एंड नीचे में यहाँ पर इंफोटेनमेंट के बटन्स हैं, हैजार्ड की स्विच, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्रोम वर्क देखने को मिल जाता है इसके बटन्स पे। कुछ ऐसी दिखती है कार की की, कीलेस एंट्री मिलती है इसमें, लॉक अनलॉक बूट ओपन करने के बटन्स हैं इसके रिमोट में, 12V का चार्जिंग पोर्ट, ऑक्स है, USB, गियर नॉब, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है इसमें, साइड में स्पेस मिल जाती है थोड़ी, बॉटल होल्डर हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक, ग्लोव बॉक्स ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है ग्लोव बॉक्स अंदर से, अच्छी स्पेस है यहाँ पर, चलिए इसे बंद करते हैं। इनर रियर व्यू मिरर डे एंड नाइट एडजस्टमेंट के साथ में, रीडिंग लैंप, ड्राइवर साइड सनशेड, पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर है सनशेड में। चलिए रियर सीट पर चलते हैं। एंड कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर डोर अंदर से, यहाँ पर स्पीकर, पावर विंडो के बटन, इनर डोर हैंडल, ये है रियर सीट्स, बेंच टाइप सीट मिल जाती है 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में, बीच में आर्मरेस्ट भी है, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है, एंड ये है इसका कैबिन व्यू।
बूटी स्पेस देखते हैं कार का। तो बूट ओपन करने के लिए यहाँ रिमोट पर दो बार अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसका जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। एंड ये कुछ ऐसा ओपन होता है, 353 लीटर की बूटी स्पेस मिल जाती है फोर्ड एस्पायर में। एंड यहाँ पर बूट लाइट है, चलिए स्पेयर व्हील देखते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे में स्पेयर व्हील मिल जाती है, 175x65 के टायर्स मिल जाते हैं 14 इंच के रिम में। थ्री ईयर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, 4 एंड 5 ईयर का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं वारंटी अपनी एस्पायर के लिए। सो गाइस, ये कार आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। टेस्ट राइड, ईएमआई, एक्सचेंज एंड अदर क्वायरीज के लिए आप वर्धमान फोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनके कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडीज यहाँ पे फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।